आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल परिसर में धूमधाम के साथ विज्ञान प्रदर्शनी सह व्यंजन मेला का आयोजन किया गया है। इस मौके पर बच्चों ने तरह तरह के विज्ञान मॉडल को प्रदर्शित कर अपने प्रतिभा और कौशल से दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा समाज विज्ञान, कला और साहित्य से संबंधित मॉडल भी प्रदर्शित किए हैं। बच्चों की वाणिज्य प्रतिभा प्रदर्शन हेतु कई सुंदर भोज्य सामग्री के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सुप्रसिद्ध IPS अधिकारी व विशेष सचिव गृह विभाग बिहार सरकार विकास वैभव मौजूद रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर एन के झा वाणिज्य महाविद्यालय के प्राचार्य भी मौजूद रहे। संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर VK सुदर्शन ने अतिथि का स्वागत शाल व प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया है। संस्था के संस्थापक व महान शिक्षाविद आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने अपने संदेश में कहा कि विज्ञान को विकास के रास्ते चलना चाहिए, न कि विनाश के रास्ते पर। मेरी समस्या नैतिकता के बिना शिक्षा और संवेदना के बिना ज्ञान अधूरा है, इसलिए हमने अपने विद्यालय परिसर को तनावमुक्त क्षेत्र बनाकर बच्चों की सांस्कृतिक चेतना और वैज्ञानिक सोच को विकसित किया है। अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं और बच्चों को प्रेरित यदि हम कर दिए तो भविष्य निश्चित बदलेगा। पटना सेंट्रल स्कूल पटना का बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय है, जिसमें विद्या किस प्रकार प्रखर रूप में बच्चों में दी जाए उस पर निरंतर प्रयास किया जाता है। और साइंस एग्जीबिशन हम भी जब याद करते हैं तो बचपन में हम लोग भी बहुत परिश्रम किया करते थे और जब ऐसे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते थे तो उसका प्रभाव आज तक है। तो सभी को बच्चों से मिलकर उनको मैंने शुभकामनाएँ दी और प्रेरित भी किया कि अच्छा करें। आज पटना सेंट्रल स्कूल के कैंपस में स्कूल के बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें बड़े ही प्रमुख प्रसिद्ध विचारक IPS अधिकारी श्री विकास वैभव, जो एडिशनल होम सेक्रेटरी हैं, और दूसरे वाणिज्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर LK झा आए। बच्चों को उन लोगों ने आशीर्वाद दिया। उन लोगों को बुलाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि आप हमारे बच्चों को इंस्पायर करें, उन बच्चों को थोड़ा धक्का मारें ताकि वे आगे बढ़ सकें। पिछले 2 वर्षों में जो शिक्षा क्षेत्र में कुंठा आ गई है, बच्चों का विकास रुक गया है, पढ़ाई खत्म हो गई है, हम लोग अब इसी में लगे हुए हैं कि जितने जल्दी हो सके इन बच्चों की पढ़ाई को पूरा कराएं। इसीलिए आज विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। आपने देखा हमारे बच्चों ने बहुत प्रकार का प्रयोग करके रखा है। इसका मतलब यह नहीं कि इसके पहले किसी ने नहीं किया था प्रयोग, लेकिन हम बच्चों को स्वयं कहते हैं जी तुम प्रेरित करते, तुम स्वयं प्रयोग करो। नई शिक्षा नीति माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, उन्होंने कहा है कि बच्चों को खोजी बनाओ, बच्चों को इंस्पायर करो, बच्चों को पढ़ाने के बजाय बच्चों को सिखाओ, उन्हें प्रैक्टिकल जीवन में उतारो। क्लासरूम में शिक्षा के बजाय क्लासरूम से बाहर सड़कों पर, जंगल में, नदी किनारे, इन तमाम ओपन लैंड में बच्चों को ले जाइए और उन्हें अपने ढंग से जीने का प्रयास करने दीजिए। कोई भी टीचर, हम लोग प्रयास में हैं, कोई भी टीचर बच्चे को इस प्रयोगशाला में मदद नहीं कर रहा है। टीचर बगल में खड़ा होकर देख रहा है कि कैसे ही प्रयोग कर रहा है। इससे होगा क्या कि बच्चे स्वयं खोजी बन जाएंगे, स्वयं खोजेंगे। और इसीलिए इतना बड़ा विज्ञान का या जो आयोजन किया गया है, प्रदर्शनी लगाई गई कि हमारे बच्चों की प्रतिभा विकसित हो।